की तारीख का जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था मुगल एम्पायर, उसकी हिस्ट्री जो है, उसका जो फाउंडेशन है, वहां से हम देखना शुरू करेंगे। मुगल एम्पायर को देखने से पहले उमूमी तौर पे उस जमाने में जो दुनिया थी उसको हमको थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेंगे। यानी अगर खासतौर से मुस्लिम दुनिया को हम देखेंगे तो दो जो हमले मुसलमानों पर हुए थे, पहला यानी मंगोल का और उसके बाद तैमूर का, जिसने कि पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया था। उसके बाद मुसलमानों के अंदर तीन बड़ी हुकूमतें उभरी। पहली जो हुकूमत थी वो उस्मानिया सल्तनत थी, दूसरी सफवी जो सल्तनत थी, सफवी सल्तनत जिसको कहा जाता है, और ये शिया हुकूमत थी बेसिकली, और जो ईरान के अतराफ में, ईरान खुरासान उस पूरे इलाके पर मुश्तमिल थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा एम्पायर था जिसका कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो मुगल एम्पायर था जो बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक जिसकी वसत थी। सबसे पहले अगर हम देखें कि तैमूर का जो एम्पायर था, यानी मुगल एम्पायर जो डिराइव हुआ वो बेसिकली तैमूर एम्पायर से डिराइव हुआ। तो तैमूर का एम्पायर कहाँ था? तो इनका जो बेसिकली एम्पायर है उसको टर्को मंगोल एम्पायर कहा जाता है। तो ये पूरा जो एम्पायर था, अगर आज के जमाने के एतबार से हम उसको देखेंगे तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, साउथ रीजन ऑफ कैकेशस सी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक बड़ा इलाका, उसके अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सीरिया और टर्की, ये इतना बड़ा जो है तैमूर ने एम्पायर खड़ा किया था। यानी तकरीबन 27 उस जमाने के एम्पायर्स थे जो तैमूर ने फतेह किया था। तो एक तो दुनिया का वसी तरीन एम्पायर हम इसको कह सकते हैं जो कि तैमूर ने सिंगल हैंडेडली जिसको फतेह किया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि तैमूर के मरने के बाद ये एम्पायर जैसा का वैसा नहीं बच पाया। यानी तैमूर की डायनेस्टी में जो लोग पैदा हुए वो तैमूर के जैसे सबके सब जहां बाएं या दुनिया कॉन्करर नहीं थे, वैसे फाते वो सबके सब नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि तैमूर का जो पूरा एम्पायर था वो छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया। यानी चंगेज के जनरेशन में ये रूल था कि पूरे एम्पायर को डिवाइड कर देते, तो तैमूर का भी एम्पायर डिवाइड हो गया, उसके बेटों के अंदर, उसके पोतों के अंदर, उसके पूरे खानदान के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स की शक्ल में वो डिवाइड हो गया। इसी तैमूर के जो जानशीन थे वो, ये बात दुरुस्त है कि तैमूर के जैसे वॉरियर नहीं थे, उसके जैसे जंग करने वाले नहीं थे, लेकिन दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे तो नॉलेज और विजडम के मैदान में, इल्म, हिकमत, अदब, इस मैदान में वो तैमूर से काफी आगे थे। और उनके उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने ये चीजों में काफी कुछ जो है दुनिया को कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम देखें सेंट्रल एशिया और पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब 16वीं सेंचुरी में अगर देखें, तो बाबर जो था इसी तैमूरी एम्पायर का एक फरगाना, एक छोटी सी स्टेट थी, उस स्टेट का एक वन ऑफ द रूलर था, जिसने के पहले काबुलिस्तान यानी मॉडर्न डे अफगानिस्तान जिसको हम कह सकते हैं वो फतेह किया, और उसके बाद जो है उसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। यानी ये तैमूर ही का एक छोटा एम्पायर था जहां से के बाबर आया था और उसने फिर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की जिंदगी जो है मुख्तसर जिंदगी थी, लेकिन उसमें उसने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। यानी 1483 से लेके तो 1530 तक ये उसका पूरा अरसा हयात था। लेकिन इस अरसा हयात में हम देखते हैं कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा एडवेंचरस थी, बहुत उसने बड़े बड़े कारनामे जो है इसमें अंजाम दिया। हालांकि उसके जो मेजर कारनामे जो है, जो मेजर उसके अचीवमेंट्स है, वो बिल्कुल ही उसके जिंदगी के आखिरी 5 साल में उसने अचीव किया, और उससे पहले की जो उसकी एक तवील जिंदगी थी वो ऐसी ही नाकामियों में गुजरी। तो इस एतबार से भी बाबर की जिंदगी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टडी के लिए, कि कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी की इब्तदाई फेजेज में बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा, बहुत ज्यादा नाकाम हुआ, लेकिन अगर वो मुस्तकिल हौसला रखे तो उसके बाद वो कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। बाबर का शजरा जो था वो बाप की तरफ से तैमूर था और माँ की तरफ से चंगेज था। यानी दोनों भी शजरे जो उसके मिले थे वो दुनिया के दो बड़े वॉरियर्स की तरफ से उसको मिले थे। तो बाबर फरगाना वैली यानी मौजूदा उज्बेकिस्तान के अंदर वो पैदा हुआ। उसका जो नाम था, तो उसके फादर के जो स्पिरिचुअल गुरु थे ख्वाजा एरार, उन्होंने उसका नाम तजवीज किया था। बाबर असल में शेर को कहते हैं, तो इसकी बहादुरी, हिम्मत, जवां मर्दी, उसकी बुनियाद पर उसको शेर से तजबी दी जाती थी, तो वहां से उसका नाम पड़ा। असल उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जो कबीला था उसको बरलास कबीला कहा जाता है, जो मंगोल रीजन में आता। असल में यह है कि जब मंगोल पूरी दुनिया पे छा गए, खासतौर से इस्लामिक दुनिया पे, और उसके बाद जो है उनके कई लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उन्होंने मुसलमानों से ताल्लुकात कायम करे, उनसे शादियां की, उनके कल्चर में वो रच बस गए, तो इस तरह एक जो कल्चर उससे डेवलप हुआ उसको टर्को मंगोल कल्चर कहा जाता है। इसमें टर्किश जो टर्किक लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस है, उसको एडॉप्ट किया गया। तो बेसिकली बाबर जो है उस कल्चर से बिलोंग करता था। मुगल क्यों कहा जाता है? तो मुगल के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस बयान किए गए हैं। यानी आप देखेंगे तो बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है, तो वो चंगेज खान, हलाकू खान और ये सब जो थे, चगताई खान, इनको भी मुगल में ही काउंट करते हैं। यानी बाद लोगों का कहना है कि मुगल जो बना वो मंगोल से पर्शिया में ट्रांसलेट यानी चेंज होते होते मुगल बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि ईस्टर्न चगताई खान का जो इलाका था वहां पर एक काफी एक बड़ा इलाका था, या कबीला जिसको हम कह सकते हैं,
उस इलाके को मुगल कहा जाता था, तो वहां से जो लोग रहने वाले थे उनको मुगल कहा जाता था। तो ये उसकी बेसिक वजह अलग अलग बयान की जाती है। बहरहाल लेकिन मोटा मोटी ये समझा जाता है कि मंगोल से जो लोग आए उन्हीं को मुगल कहा जाता है। 1494 के अंदर 12 साल की उम्र, यानी बाबर बहुत छोटा था, सिर्फ 12 साल का था उस वक्त, वो फरगान जो एक छोटी सी वैली थी उसका वो बादशाह बना। उसका बाप जो था वो कोई बहुत बड़ा यानी रॉयल किंग नहीं था, बल्कि एक छोटी सी रियासत उसके पास थी, और उसके बाप की काफी पहले उसका इंतकाल हो गया था, तो बहुत कम उम्र में जो है बाबर हुक्मरान बन गया फरगान वैली का। लेकिन उस जमाने में पूरे जो तैमूरी सल्तनत थी उसके अंदर सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि तैमूर का जो बड़े से बड़ा एम्पायर है वो उनको मिले, तो आपस में बहुत ज्यादा खाना जंगी थी। और उसमें सबसे ज्यादा सेंट्रल अट्रैक्शन जो था वो समरकंद था। सब ये चाहते थे कि समरकंद जो है उसको फतेह करे, क्योंकि उस वक्त समरकंद जो है तहजीब के एतबार से, तमद्दुन के एतबार से, कल्चरली इकोनॉमिकली काफी बड़ा जो है दुनिया का शहर वो माना जाता था। और बाबर की जिंदगी में जो है समरकंद बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, उसको बड़ी समरकंद से मोहब्बत थी। तो उसने 1497 के अंदर यानी जैसे ही हुक्मरान बना उसके 7 साल बाद, यानी अब देखिए एक बिल्कुल एक 12-13 साल का लड़का जो है उसने समरकंद फतेह कर लिया और उसको जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो 12 साल की उम्र में ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, यानी पूरे तैमूरी शहजादे या तैमूरी रूलर जो थे वो चाहते थे कि समरकंद को फतेह करे, और उन सबको पीछे छोड़ते हुए बाबर ने उसको फतेह कर लिया। लेकिन ये उसको बहुत ज्यादा वो कंट्रोल में नहीं रख पाया, सिर्फ 100 दिन के अंदर ये समरकंद उसके पास से वापस चला गया। उसके बाद उसने 1500 और 1501 के अंदर फिर से उसने कोशिश की, और इस मरतबा उसने सिर्फ 240 सोल्जर्स लेकर जो है समरकंद फतेह कर लिया। लेकिन अगेन वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उस जमाने में जो मोहम्मद शिवानी खान था, मोहम्मद शिवानी खान जो है राष्ट्रीय चंगेज की नस्ल से था और उस दौर का सबसे बड़ा वॉरियर था। यानी बाबर को तो उसने कई मरतबा जंगों में शिकस्त दी, लेकिन उज़्बेक जितने बड़े बड़े वॉरियर थे सबको उसने उस जमाने में शिकस्त दी थी। तो शिबानी खान ने बाबर को शिकस्त दे दी और उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद बाबर ने कोशिश की कि फरगाना पे कम से कम जो उसका अपना इलाका है उस पर वो अपनी हुकूमत कायम कर पाए, लेकिन अगेन वो भी वो हार गया। और उसके बाद वो कुछ पहाड़ी इलाकों में जाकर बाबर ने पना ली। फिर 1502 यानी ये उसकी जिंदगी में बहुत ही टफेस्ट पीरियड चल रहा था, उसमें उसने बहुत ज्यादा उम्मीद छोड़ दी थी। उसको लग रहा था कि यार मैं कोई यानी कामयाब बादशाह नहीं हूँ। उसके बाद फाइनली वो ताशकंद पे गया जहाँ उसके अंकल रहते थे और उसने उनसे मदद मांगा, लेकिन उसके अंकल ने भी उसको कोई मदद की। यानी उसमें जो उसने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वो जिंदगी, वो जो लम्हात थे मेरी जिंदगी के वो सख्तरीन लम्हात थे, कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा गरीबी और ह्यूमिलेशन जो है उसकी जिंदगी में उसने वो फेस किया। तो उस पूरे दौर के बाबर की जिंदगी में काफी असरात दिखते हैं। बाबर ने 2 मरतबा यानी समरकंद जैसी हुकूमत, 2 किंगडम को 2 मरतबा उसने लिया और दोनों मरतबा लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें उस पर काफी जो है उसने असर डाले। उसके बाद वो बहुत ही एक छोटी आर्मी उसके पास रह गई, उसकी माँ अपनी बहनों को लेकर वो अफगानिस्तान के पहाड़ों में घूमता रहा। तो ये उसकी जिंदगी का काफी सैड पीरियड था। यानी तमीम अंसारी ने बहुत अच्छी बात उसके बारे में लिखी है, किंगिंग वॉज ऑल ही न्यू एंड किंग वॉज द जॉब टाइटल ही वॉज सीकिंग। यानी बादशाहत वो चीज थी वो जानता था, अब सिर्फ उसको जरूरत थी कि वो बादशाह बन जाए, यानी बादशाह का टाइटल उसको मिल जाए। यानी वो एक ऐसा शख्स था कि जिसके अंदर बादशाहत के पूरे गुण मौजूद थे, पूरी सिफात उसके अंदर एक रूलर की मौजूद थी, लेकिन उसके पास एक हुकूमत नहीं थी। सो किंग विदाउट अ किंगडम, ऐसी सूरत हाल बाबर की थी। और ये पूरी आर्मी को लेकर वो घूम रहा था। यानी एक बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक 12-15 साल का लड़का जो है इतनी बड़ी जो भी उसकी आर्मी थी जिसमें काफी सीनियर एडल्ट वॉरियर्स थे, उससे उम्र में बहुत बड़े लोग थे, उन सबको वो सस्टेन कर पाया। यानी इतने जंगे वो हारा मुस्तकिल, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोगों को वो सस्टेन कर पाया। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो लोग बाबर का साथ दे रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि 1504 के अंदर में बाबर ने फाइनली ये किया कि हिंदूकश पहाड़ को उबूर कर लिया और उसके बाद काबुल पे कब्जा कर लिया। काबुल एक ऐसा शहर था जिसको बाबर को बहुत पसंद आया। बाबर ने अपने डायरी में लिखा कि ये मोहब्बत जो है उसको काबुल से मोहब्बत हो गई थी, कि ये मोहब्बत यकतरफा नहीं थी बल्कि काबुल ने भी मुझसे मोहब्बत की, और आज भी काबुल में उसको एज ए हीरो माना जाता है। इस काबुल पे हुकूमत करने के बाद बहरहाल उसको एक बेस मिल गया, किंगडम मिल गई, जहां से कि वो आगे के अपने प्लान बना सकता था। लेकिन यह हुआ कि काबुल में 2 साल के बाद फिर बगावत हो गई, लेकिन फिर उसने बगावत को रफा किया और फिर से काबुल पर कब्जा किया। उसके बाद 1504 से 1526 तक काबुल उसके कब्जे में रहा। 1513 के अंदर जो है उसका जो भाई था नासिर मिर्जा, उसने उसको काबुल का हुक्मरान बनाया और उसने कोशिश किया कि अब मैं समरकंद एक बार और ट्राई करूंगा। और 1513 में तीसरी मरतबा उसने समरकंद पर हमला किया और बुखारा पर, और दोनों उसके कब्जे में आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर उज़्बेक सरदारों ने उस पर हमला किया और उसके पास से छीन लिए। तो समरकंद जो है कंसेक्यूटिवली 3 मरतबा बाबर ने फतेह किया, लेकिन तीनों मरतबा जो है तो वो उसने
वो हार गया। उसका इरादा यह था कि वो चौथी मरतबा और उस पर हमला करेगा, लेकिन फिर उसके सरदारों ने कहा कि नहीं बस, अभी हमने काफी इस पर ट्राई कर लिया, अभी नए एवेन्यूज जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये जो पीरियड था मतलब 1494 से लेकर 1514 तक, ये बहुत ही बाबर की जिंदगी का कंटिन्यूअसली यानी कहा जाता है कि फेलवर था। इसमें वो मुस्तकिल जंगे हारता गया, जो सल्तनत उसको मिली थी वो भी लॉस हो गई, उसकी जो आर्मी थी वो बहुत छोटी आर्मी थी, उसके पास हथियार बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो सर्वाइव कर पा रहा था। यानी बाबर की खास बात ये थी कि वो एक जगह से हारता तो दूसरी जगह कोशिश करता, दूसरी जगह से जब उसको निकाल लिया जाता तो तीसरी जगह कोशिश करता, वो मुस्तकिल जो एफर्ट्स ले रहा था। उसकी आर्मी के अंदर बहुत वॉरियर्स लोग नहीं थे, ऐसे कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ वो अपनी पर्सनल लीडरशिप क्वालिटीज की बेस पर इतना सर्वाइव कर पा रहा था। तो बाबर ये सोच रहा था कि अब ये जो सिनेरियो है, इसमें दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, शाह ईरान है, दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत है, तीसरा उज्बेक सरदार है, अब उसको खुद की एक अपनी सल्तनत कायम करना थी, वो कैसे कर पाएगा। तो ये यानी मुस्तकिल वो गौर फिक्र कर रहा था कि किस तरह वो दुनिया में एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद डाल सकते हैं। यानी उसका पहले एम ये था कि कम से कम जितनी बड़ी सल्तनत तैमूर की है तो उसका एक हिस्सा तो मैं एक हिस्से पर तो मैं काबिज हो पाऊं। 1514 के अंदर एक ऐसा वाकया हो गया कि जिसने उसके जो ख्यालात थे उसको एक नई राह दी, यानी उसको एक नया सोच जो है मिल गई कि किस तरह वो दुनिया पे रूल कर सकते हैं। यानी शाह ईरान जो था, ईरान की जो फौज थी वो बहुत बड़ी फौज थी और ऐसे समझा जाता था कि वो अनडिफिटेड है, उसके मुकाबले उस्मानियों की फौज बहुत छोटी थी। लेकिन 1514 में जब उस्मानियों की और ईरान की जंग हुई तो उस्मानियों ने ईरान को हरा दिया, शाह ईरान हार गया। इस जंग ने जो है बाबर का नजरिया जो बिल्कुल बदल दिया और उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो क्या वजह थी कि उस्मानी कम तादाद में होने के बावजूद भी ईरान जैसी सुपर पावर को उन्होंने हरा दिया। तो फिर उससे जो कंक्लूजन उसके सामने आया कि उस्मानी भले तादाद में कम है लेकिन जो वार टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, यानी जदीद जो हथियार है जंगों के, वो उस्मानियों के पास है। तो फिर बाबर के ये कोशिश थी कि किसी तरह मैं वो हथियार हासिल कर लूं ताकि कम फौज होने के बावजूद भी मैं दुनिया पे रूल कर सकूं, मैं अपनी हुकूमत को आगे बढ़ा सकूं। तो बाबर ने किया कि फिर अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना शुरू किया उसने। उसने कई इंजीनियर्स को हायर किया और उस जमाने के जो हथियार थे वो बनाना शुरू किया, लेकिन जाहिर है उसके उतने सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे। उस्मानी सल्तनत एक ऐसी सल्तनत थी जो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन सुल्तान सलीम अव्वल जो था उसके जमाने में बाबर के और उसके रिलेशन काफी खराब थे, लेकिन बाद में सुल्तान सलीम ने उसको कंसिडर किया और उसने बाबर से रिकनसाइल कर लिया। फिर बाबर ने जो है तो उससे जदीद जो है हथियार मांगे, काफी उसने इंजीनियर्स भी बाबर को दिए। तो उस जमाने के जो जदीद तरीन हथियार थे यानी तोपखाना और तोड़ेदार बंदूक, यानी राइफल जैसी जो बंदूक रहती है जिसको तोड़ेदार बंदूक कहते हैं, उस वक्त नई नई दुनिया के अंदर ईजाद हुई थी। तो ये ऐसे हथियार थे जिसकी मदद से उस्मानी पूरी दुनिया को फतेह कर रहे थे। तो बाबर के समझ में आया कि जब तक मेरे पास फौज तो बहुत छोटी है और मैं इस फौज की मदद से किसी को नहीं हरा सकता, तो जब तक जदीद हथियार नहीं होंगे मेरा जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबर ने फिर उस्मानियों से वो हथियार जो है वहां उसने ले लिए। 1519 में पहली मर्तबा उसने जब अफगानों के साथ जंग की और ये हथियार इस्तेमाल किए तो उसके बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट आए, यानी बिल्कुल उसके तवक्कात से बहुत ज्यादा उसके नतायज आए और बाबर बहुत खुश हुआ इस तजुर्बे से। तो फिर उसके बाद ये समझ में आ गई कि जितने मैं मॉडर्न हथियार रखूंगा मैं दुनिया को उतना ज्यादा फतेह कर सकता। फिर उसने ये सोचा 1524 के अंदर कि अब हिंदुस्तान में कम से कम वो इलाका पंजाब का कि जहां पर तैमूर का एम्पायर था, तो ये तैमूरी नस्ल के होने के नाते ये मेरा हक है कि वो एम्पायर मुझको मिल जाए, और उसने फिर उसको कॉन्कर करना शुरू किया। 1522 के अंदर जो है बाबर ने कंधार फतेह किया, 1524 के अंदर दीपालपुर उसने फतेह किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 20 अप्रैल 1526 में वो हिंदुस्तान में आ गया, यानी दिल्ली पर हमला करने के लिए वहां से निकल गया। तो सरहिंद से होता हुआ दिल्ली में आया। दिल्ली में उस वक्त जो सूरत हाल थी तो लोधी खानदान की हुकूमत थी, यानी लोधी खानदान का हमने देखी कि पहले बहलू लोधी बादशाह था, उसके बाद सिकंदर लोधी बना। सिकंदर लोधी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत अच्छा रूलर था और उसके साथ वो बहुत अच्छा वॉरियर भी था। तो उसके जमाने में किसी की ज्यादा हिम्मत नहीं थी उसकी सल्तनत पर हमला करने की, लेकिन इब्राहिम लोधी उतना अच्छा वॉरियर नहीं था, उसके अंदर उसके बाप की वो सारी क्वालिटीज नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर बाबर और इब्राहिम लोधी जो है आमने सामने लड़े। इब्राहिम लोधी की फौज बहुत बड़ी थी, यानी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं 1,00,000 थी, लेकिन जो थोड़ा बैलेंस हिस्टोरियंस ने कहा कि वो 50,000 के करीब उसकी फौज थी। बाबर की आर्मी जो है वो 12,000 से 24,000 के बीच में उसके नंबर्स बताए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 times जो है वो इब्राहिम लोधी की आर्मी थी और बाबर की आर्मी जो थी वो उससे काफी कम थी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही जंग शुरू हुई तो बाबर के जो वॉर टेक्निक्स थे वो इब्राहिम लोधी समझ नहीं पाया, और बाबर ने जिस तरह उसको एनसर्कलिंग करके और पूरी जंग जो है तो वो इब्राहिम लोधी की समझ से बाहर हो गई। उसके बाद लेटेस्ट हथियार भी थे तो इब्राहिम लोधी हार गए। यानी 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें के मुगल एम्पायर की बुनियाद रख दी गई, इब्राहिम लोधी हार गया।
बाबर ने अपनी डायरी में लिखा है कि बाय द ग्रेस ऑफ द अल्माइटी गॉड दिस डिफिकल्ट टास्क वाज मेड इजी टू मी एंड दैट माइटी आर्मी इन द स्पेस ऑफ हाफ डे वाज लैंड इन डस्ट। यानी वो एक बड़ी हुकूमत जिससे मैंने जंग किया तो आधे दिन के अंदर जो है उसने खाक चाट ली। तो ये उसने अपने डायरी के अंदर इस जंग को इस तरह से मौसम किया। आफ्टर द बैटल बाबर ने दिल्ली और आगरा फतेह कर लिया। इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत का जो मरकज था वो दिल्ली था, लेकिन बाबर ने अपना जो कैपिटल रखा वो आगरा को रखा। तो मुगल एम्पायर में कैपिटल जो है वो आगरा को रखा गया। फिर उसके बाद वहां पर उसने मुगल एम्पायर की पूरी बुनियादें रखी। वहां पर बाबर को आगरा में कोहिनूर हीरा उसको पेश किया गया। फिर उसके बाद 27 अप्रैल को 1526 दिल्ली की जामा मस्जिद में, उस जमाने की जो जामा मस्जिद थी वहां पर खुतबा जुमा बाबर के नाम से पढ़ा गया। बाबर जो था वो बहुत ज्यादा जेनरस था, बहुत सखी था, बहुत फयाज था। असल में यह है कि जितने मुगल हुक्मरान थे वो सबके सब बहुत ज्यादा सखी थे। वो इतना ज्यादा खर्चा करते थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। यानी हुमायूं के बारे में तो यह आता है कि वो इतना खर्च करने में इतना सखी था, लोगों को इतना डिस्ट्रीब्यूशन करता था कि बाजा का उसके पास जंग करने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। तो जब बाबर ने दिल्ली और आगरा को फतेह किया तो उसने भी खूब जो है वो पैसा अपने सरदारों में, अपने अवाम में, लोगों में, यानी कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया के जितने बड़े शहर थे उसने सब में कुछ ना कुछ जो है वो लोगों को पैसा दिया, खैरात दिया, सबका किया। बल्कि उसने काफी फंड मक्का और मदीना भी भेजा कि यानी हिंदुस्तान में जो उसका एम्पायर कायम हो रहा है उसको एक बड़ी फतेह नसीब हुई। तो उसके बदले में जो उसका रूहानी ताल्लुक था मक्का और मदीना से, तो काफी पैसा उसने मक्का और मदीना भी भेजा। लेकिन ये कि पानीपत की पहली लड़ाई उसका असल चैलेंज नहीं था। उसका जो असल चैलेंज था वो राणा सांगा था। राणा सांगा मेवाड़ किंगडम का रूलर था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रूलर राणा सांगा को माना गया। जब राणा सांगा ने देखा कि बाबर बड़ा चला आ रहा है, तो उसने जितने राजपूत सरदार थे उनको सबको जमा किया और एक बहुत बड़े आर्मी, यानी कोई 2-2.5 लाख का था, लेकिन एक अंदाजन जो है मजमू तादाद उसकी 1 लाख से ज्यादा जो है तादाद थी। और राणा सांगा बहुत बेहतरीन वॉरियर था, उसके सामने बहुत कम लोग जो है वो टिक पाते थे। तो उसने पूरे राजपूतों को जमा किया और एक बड़ी फौज बनाकर जो है बाबर पर हमला करने के लिए निकला। दूसरी तरफ हसन खान जो था, जो लोधी कमांडर था, यानी इब्राहिम लोधी ने शिकस्त खा गया था, तो उसकी जो बची हुई फौज थी वो भी आके राणा सांगा के साथ मिल गई। इसी तरह चूंकि ये अफगान हुकूमत थी जिसको बाबर ने खत्म किया था, तो बहुत सारे अफगान सरदार भी आकर राणा सांगा के साथ मिल गए। तो अब ये जो लड़ाई थी ये बाबर और राणा सांगा की नहीं थी, बल्कि बाबर के साथ राणा सांगा के साथ जो है तो अफगान और हसन महमूद ये लोग भी आकर जुड़ गए थे। तो अब ये इतनी बड़ी आर्मी से जो है बाबर का मुकाबला था। लेकिन इसकी खबरें जब बाबर की फौज के पास पहुंची, यानी राणा सांगा ने जब शुरू किया अपना सफर, तो बीच में जो भी बाबर के छोटे मोटे कमांडर उससे लड़े उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से उनको हराया। तो बाबर की पूरी फौज जो है जाकर उसके पास जमा हो गई। बाबर की आर्मी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, डर गई थी, और वो लोग जंग करने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि हम लोग ये छोड़ के वापस से अफगानिस्तान चले जाएंगे। फिर ये हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर था उस जमाने में, उससे प्रिडिक्शन निकाला गया, तो उसने कहा कि बाबर हार जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल से जो माहौल बाबर की फौज में बना, तो वो एक हार का माहौल बन गया, एक मायूसी की कैफियत उन पे तारी हो गई। और बात जो नेपोलियन ने कही थी कि अगर तुम ये बात मान लोगे तुम जंग में हार जाओगे तो समझ लोगे तुम हार गए, तो एक ऐसी कैफियत बाबर की फौज के अंदर पैदा होगी। फिर हम देखते हैं कि वहां पर बाबर की शख्सियत का एक दूसरा पहलू उभर कर आता है, यानी एक लीडर जो है वो किस तरह अपनी फौज को मोटिवेट करता है। तो बाबर ने किया कि इन हालत को देखकर उसने पूरी एक शूरा बुलाया, उसकी मुशावरत तलब की, और उसमें एक बहुत ही फायरी स्पीच, एक जोशीली तकरीर उसने की, और उसने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और उसकी इस तकरीर से लोग बहुत मुतासिर हुए, और उसने कहा कि सब लोग कुरान हाथ में उठाकर ये वादा करें कि कोई भी पीठ दिखाकर मैदान से नहीं भागेगा, बल्कि हम जब तक हमारी जान में जान है हम लड़ते रहेंगे। और सारे लोगों ने जो है तो इसको बहुत ही यानी बहुत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ ही कुरान को हाथ में उठाकर कसम खाए। फिर बाबर ने किया कि अपने फैसले को और ज्यादा संजीदा बनाने के लिए उसमें और उसको कुवत उसमें पैदा करने के लिए, उससे पहले जो है बाबर बहुत ज्यादा नशा करता था और शराब की उसको लत थी। तो उसने शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए, जितने सोने चांदी के बर्तन थे वो खैरात कर दिए। यानी उसका देखा देखी तकरीबन उसके 300 सरदार थे जिन्होंने पूरे शराब के बर्तन छोड़ दिए। कहा जाता है कि जिस जगह शराब फेंकी गई बाद में वहां उन पूरे बर्तनों से सोने चांदी के खैरात खाना जो है वो कायम किया गया। और बाबर ने ये कहा यानी बिल्कुल कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये जिहाद है। यानी उसने अपनी पूरी जंग को जो है एक डिवाइन जंग जो है डिवाइन वॉर जो है उसको बना दिया उसने, और एक जज्बे जिहाद के तौर पर जो है उसने अपनी पूरी जो मिलिट्री थी वो उसको मोबिलाइज उसने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है, ये जो सेकंड थी। तो ये बहुत खतरनाक जंग थी, यानी इसमें राणा सांगा जैसा वॉरियर और उसमें राजपूत जैसी कौम जो खतरनाक लड़ने में माहिर थे। तो जंग के इब्तिदा में बहुत तेज हमले राजपूतों की तरफ से हुए और इम्कान ये था कि शायद लग रहा था कि बाबर की फौज जो है वो हार जाएंगे,
लेकिन वो जो बाबर ने उनसे कसम ले ली थी कुरान को उठाकर, तो कहा जाता है कि उसका इफेक्ट देखने में मिला, यानी लोग जो है वो जंग में डटे रहे। और उसके बाद बाबर की जो जंगी टेक्निक्स थी, जो उसकी स्कीम्स थी, तो वो हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छे से बयान किए कि किस तरह बाबर ने अपनी पूरी फौज जो है वो उसने अरेंजमेंट किया था। तो इस पूरे अरेंजमेंट, उसके बाद जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स उसके पास थे, असला जो था जदीद दौर का, और ये सारी चीजों ने मिलकर जो है ये राजपूतों को हरा दिया। यानी 10 घंटे की जबरदस्त लड़ाई के बाद राजपूतों का तूफान थम गया, राजपूतों की हिम्मत बहादुरी पस्त होकर रह गई, और उन्होंने अपनी किस्मत वो जदीद किस्म के असलों को कोसा। असल में ये हुआ कि उनकी जंग शुरू होते ही, यानी थोड़े वक्त के बाद ये हुआ कि राणा सांगा इंजर्ड हो गया, तो वो जख्मी हो गया। तो राजपूत ने किया क्या कि उसकी जगह, यानी उसके सरदारों ने एक बिल्कुल उसके जैसा शख्स जो मुशाबियत में उसके जैसा था, उसको उसका लिबास बनाकर हाथी के ऊपर बिठा दिया। अब जाहिर है उसका, यानी उसके जैसे दिखने वाला शख्स तो लेकर आ गया, लेकिन जो उसकी वॉर टेक्निक्स थी वो तो उसको नहीं आती थी। तो एक तो ये उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, दूसरे बाबर के पास जदीद हथियार थे, यानी ये हिंदुस्तान की पहली जंग थी जिसके अंदर के बंदूक और तोप का इस्तेमाल हुआ था, और तीसरा ये कि बाबर की जो फौजी सलाहियत थी, उसका जो माहिराना तदाबीर थी, और बाकी जो जंग की उसकी प्लानिंग थी, ये तीनों चीजें ने मिलकर जो है वो राजपूतों को खत्म कर दिया। यानी एक बहुत बड़ी फौज जिसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, उसके वॉरियर्स बहुत मशहूर थे और उन्होंने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जीती थी, उसके बिलमुकाबिल बाबर की एक छोटी फौज जो डरी हुई भी थी, लेकिन सिर्फ बाबर की सलाहियतों के बिना पर उन्होंने ये जंग जीत पाई। तो बैटल ऑफ खानवा जो है ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। इसी जंग के बाद, यानी पानीपत से ज्यादा अहम जंग इसको बताया जाता है, और कहा जाता है कि मुगल एम्पायर का जो रास्ता साफ हुआ वो इस जंग के बाद साफ हुआ। बाबर ने खुद अपनी बायोग्राफी में जो है वो राणा सांगा की काफी तारीफ की है कि उसकी जो वॉर स्किल थी और वो बहुत अच्छा वॉरियर था। जंग के जो इफेक्ट थे वो तो बहुत दूरस थे, लेकिन इस शिकस्त के नतीजे में राजपूतों का जो इतिहाद था, जो ना सिर्फ नस्ल, कौम, मजहब और तमद्दुन, बल्कि काफी नजरियात, आइडियोलॉजिकल और एक खानदानी वकार की बुनियाद पर था, वो भी पाश पाश हो गया, और उनके वकार को जो जबरदस्त ठेस पहुंची। इस इत्तेहाद के, यानी राजपूतों के इत्तेहाद के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर का जो है रास्ता वो बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद ये हुआ कि राणा सांगा जिंदा था, फिर उसने कोशिश की और काफी जो है फौज उसने जमा कर ली, लेकिन उसके बाद उसके राजपूतों में काफी इख्तिलाफात हो गए और राजपूतों ने उसको जहर देके मार दिया। तो बैटल ऑफ चंदेरी जो है तीसरी जंग थी जो बाबर ने हिंदुस्तान में लड़ी, तो बाबर ने यही किया कि राणा सांगा को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। तो उसने ये किया कि उस जमाने में चंदेरी का जो रूलर था मेदनी राय, उसके पीस टॉक किया और उसको कुछ ऑफर किया कि मैं तुमको ये ऑफर करता हूँ और तुम उसके बदले ये सिटी मुझे दे दो, लेकिन मेदनी राय ने जो है उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और उसने जंग किया। तो कहा जाता है कि मेदनी राय का जो किला था वो बहुत मजबूत किला था और उसको फतेह करना जो है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बाबर की फौज ने वो किला जो है आधे दिन में फतेह कर लिया। खुद बाबर ने लिखा है कि ये बात मैं आज तक नहीं समझ सका कि इतना मजबूत किला सिर्फ आधे दिन में कैसे फतेह हो गया। लेकिन मेदनी राय ने ये किया कि उसके बाद जैसे ही वो लोग हारने लगे तो उन्होंने जौहर किया। जौहर मतलब राजपूतों में एक रस्म थी कि जब वो हारने लगते तो उनकी जो भी खवातीन, बच्चे और ये सारी चीजों को वो जिंदा जला देते थे, तो वो जौहर उन्होंने किया और बाबर के सामने जो है सैकड़ों बल्कि हजारों लोग जो है वो जिंदा जल के मर गए। बाबर को हिंदुस्तान में बहुत ही कम टाइम मिला, यानी अगर आप देखेंगे तकरीबन 3-3.5 साल बाद पानीपत की जंग के बाद वो जिंदा रहा, लेकिन इस थोड़े अरसे में भी उसने बहुत बड़ा एक एम्पायर की बुनियाद रख दी। 1530 के अंदर बाबर का इंतकाल हो गया। असल में बाबर को कुदरत की तरफ से जिस्म तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन पूरी जिंदगी में जो नशा वो करता रहा, तो कहा जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव लेवल का नशा करता था। यानी पानीपत की जंग में उसने बंद किया, लेकिन बाकी जो जिंदगी में वो नशा करता रहा, तो उसके असरात उसकी बॉडी पे काफी पड़े और वो उसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। पहले बाबर को आगरा में उसकी तदफीन की गई थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उसको काबुल में दफन किया जाए, तो बाद में फिर ले जाके उसको काबुल में दफन किया गया। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में वो काफी नेशनल हीरो माना जाता है। बाबर जो था, आमतौर से जो वॉरियर्स रहते, जो एग्रेसिव वॉरियर्स रहते, उनके अंदर हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी, आर्टिस्टिक सेंस, ये सारी चीजें कम रहती, लेकिन उसके बिलमुकाबिल बाबर बहुत ही सेंसिटिव था, रोमांटिक था, उसका आर्टिस्टिक सेंस जो है बहुत अच्छा था। यानी आप देखिए, उसने पूरी जिंदगी में इतने मुश्किल हालात जो है, इतनी जंगें उसने जिंदगी में लड़ी, इतनी जंगें उसने हारी, वो जहां जहां से भागा, अफगानिस्तान के पहाड़ों में वो फिरता रहा, ये सारी चीजें जो है वो उसने अपने डायरी में नोट करता रहा। और बाद में बाबर नामा के नाम से उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो चक्ताई टर्किक लैंग्वेज में थी, बाद में उसको अकबर ने पर्शियन में कन्वर्ट कराया। यानी उस बायोग्राफी के जरिए उसकी पूरी जिंदगी के हालात हमारे सामने आते, और उसमें बाबर ने बिल्कुल ही ओपनली अपनी जिंदगी के हालात लिखा। यानी किस तरह उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं थी, तो वो अपनी बीवी के पास जाने में कतराता था, यहाँ तक की चीजें, यानी बिल्कुल ही पर्सनल चीजें भी उसने उसमें लिख दिया। यानी जब वो जंग हार गया तो
तो किस तरह वो चीख चीख कर रोने लगा, वो भी उसने कैफियत उसमें बयान की। तो यानी बिल्कुल ही एक नेचुरल उसने जिंदगी जैसे गुजारा, वो जो कि तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर बयान कर। बाबर की जो सलाहियतें थी, लियाकत थी, वो गैरमामूली थी, उसमें इस कदर आला सिफात थी कि तैमूरी खानदानी किसी और फर्द में शायद ही पाई जाती हो। उसमें वसत कल्बी, फयाजी, इंसानी हमदर्दी, रहमदिली, सादगी और सिफाए बातिन की खूबियां मौजूद थी। वो एक बहुत अच्छा दोस्त, मोहब्बत करने वाला शोहर और मुशफिक बाप था, और हर महफिल में शमा महफिल की हैसियत रखता था। वो मर्दाना अक्ल व खिरद और हुस्न अखलाक का बेहतरीन नमूना था। फारसी और अरबी के आलिम होने के साथ साथ उसको तुर्की जबान में भी महारत हासिल थी। बल्कि ये कहा जाता है कि फारसी और तुर्की शायरी की में फारसी और तुर्की शायरी में उसकी हैसियत एक ऐसे नॉर्मल शायर की नहीं थी, बल्कि उस जमाने में जो मीर अली शेर बेग नवाई था, उसके बाद सबसे अच्छा शायर जो है वो बाबर को माना गया। यानी अपने बेटे के नाम जो उसने एक मसनवी लिखी थी, तो वो मसनवी काफी मशहूर है जिसमें उसने कई चीजें बयान की है। तो एक सिपाही और फौजी सरदार की हैसियत से उसका रुतबा बहुत बुलंद है। उसमें तुर्कों और मुगलों की बहादुरी और बर्दाश्त तो तहमुल के साथ साथ ईरानियों की हिम्मत और आगे बढ़ने की सलाहियत शामिल थी। वो एक माहिर शमशीरजान, उम्दा तीरंदाज, आला दर्जे का शहसवार था। वो शिकस्त से कभी दिल बर्दाश्त था और सख्ती और मेहनत से जिंदगी सख्ती और मेहनत की जिंदगी से दिल शिकस्ता ना होता। मुखालिफिन की आला फौजी ताकत से उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसको अमल और कोशिश पसंद थी। सख्त बोहरान और मैदान जंग में अपने असर और रसूख से काम लेता, और उसकी हरकत और तदाबीर इस कदर लचकदार होती कि वो लड़ाई के उतार चढ़ाव के मुताबिक बदल जाती थी। यानी उस जमाने में सबसे बड़ा फौजी जनरल जो है वो बाबर था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फौजी जनरल होने के साथ साथ उसको बहुत सारी दूसरी चीजों से भी दिलचस्पी थी। यानी एक तो एक फौजी जनरल था, दूसरी तरफ उसका लिटरेरी सेंस बहुत अच्छा था, वो अदीब था। उसके साथ आप देख रहे हैं कि उसको बागात और पौधों के मुतालिक नई नई मालूम हासिल करने का शौक था। यानी फूलों और बागात से उसको जो इश्क था, उसकी जाती खुसूसियत थी। उसको बागों का शहजादा कहा जाता है। वो न सिर्फ बागों के नक्शे बनाने और उनकी निहालबंदी और उनकी देखभाल में दिलचस्पी लेता, बल्कि खुद फावड़ा लेकर अपने हाथ से काम करता। कहा जाता है कि उसके काफी एक्सपेरिमेंट जो है फ्रूट्स पे रहे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में खरबूजे और अंगूर की को बेहतर बनाने में, जो उसकी जींस को बेहतर बनाने में मदद मिली। इसी तरह बाबर को फन मेमारी में भी दिलचस्पी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि राजपुताना की सरहद पर एक ठंडी रिहायशी इमारत तामीर करे। बाबर को म्यूजिक का भी शौक था। वो बहुत अच्छा गाता था और कई धुन उसने तैयार की, कई गाने जो है उसने लिखी। तो बाबर की जो शख्सियत थी एक बहुत ही यानी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेट, जिसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज जो है बाबर की पर्सनालिटी थी। अब देखिए कि बाबर चूंकि हिंदुस्तान में एक मुतनाज़े नाम है, लेकिन ये मुतनाज़े नाम क्यों है? तो ये मुतनाज़े नाम मानते हैं कि दूसरे रिलीजन्स के हवाले से, और ये कहा जाता है कि बाबर जो है दूसरे मजाहब के लिए उसके दिल में जगह नहीं थी। हालांकि हिस्ट्री जो है उसको नकारती है। यानी राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में आरपी त्रिपाठी ने लिखा है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबर के अहद में गैर मजहब वालों पर जुल्म सितम करना हुकूमत की सियासत का एक जुज था, या इस सिलसिले में उन लोगों को बाबर की अखलाकी हिमायत हासिल थी। अगर इस किस्म के वाकयात का वाकयात से मुकाबला किया जाए, जो कि शर्क नजदीक मशरक वस्ता में शिया और सुन्नियों के दरमियान हो रहे थे, या मगरबी ममालिक में मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के दरमियान रोमनुमा हुए, तो ये वाकयात बहुत ही नाचीज नजर आएंगे। यानी बहुत ही छोटे मोटे वाकयात हुए और किसी भी तरह की जो मजहबी गुरुबंदी थी, बाबर को उसका सपोर्ट नहीं था। आप देखिए कि इंडियन इस्लाम, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इस्लाम, इसमें जो टाइटस ने जो लिखा है बाबर की जो आखिरी वसीयत है, ये वसीयत उसने हुमायूं को की थी। यानी इसमें 6 पॉइंट्स जो उसने लिखा था, आप देखिए उससे बाबर की जो पूरी पर्सनालिटी है, उसकी शख्सियत को हमको अंदाजा होता है। बाबर ने लिखा है, फर्जंद बंद, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहब के लोग रहते हैं, और ये अल्लाह ताला की बड़ी इनायत है कि उसने तुम्हें इस मुल्क का बादशाह बनाया है। अपनी बादशाही में तुम्हें दर्जल बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी आप देखिए कि ये हिंदुस्तान का एक ऐसा रूलर जिसकी एक मजबूत हुकूमत कायम हो गई, और उसके बाद वो अपने बेटे को क्या वसीयत कर रहा। पहली चीज, तुम मजहबी तासुब को अपने दिल में हरगिज जगह ना दो, और लोगों के मजहबी जज्बात और मजहबी रसूम का ख्याल रखते हुए रू रियायत के बगैर सब लोगों के साथ पूरा इंसाफ करना। सेकंड पॉइंट देखिए कि गौ कशी से बिलखसूस परहेज करो, ताकि उससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिल जाए, और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की जंजीर से तुम्हारे मुक्ति हो जाए। तीसरा, तुम्हें किसी कौम की इबादत का मसमार नहीं करना चाहिए, और हमेशा सबसे पूरा इंसाफ करना चाहिए, ताकि बादशाह और रैयत के ताल्लुकात दोस्ताना हो और मुल्क में अमन अमान रहे। चौथा, इस्लाम की इशात जुल्म सितम की तलवार के मुकाबले लुत्फ और एहसान की तलवार से बेहतर हो सकेंगी। पांचवा, शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हमेशा नजरअंदाज करते रहो, क्योंकि उनसे इस्लाम कमजोर हो जाएगा। छठा, अपनी रायत के मुख्तलिफ खुसूसियात को साल के मुख्तलिफ मौसम समझो, ताकि हुकूमत बीमारी और जोफ से महफूज रखे। तो ये बाबर की जो आइडियोलॉजी थी, यानी जिस बुनियाद पर उसने हिंदुस्तान की सल्तनत की बुनियाद रखी, ये समझ में आती है। यानी आरपी त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मुगल सल्तनत का विकार न सिर्फ फौजी ताकत पर मुनहसर था, बल्कि गैर मुस्लिम राया और खासतौर पर राजपूतों के साथ मजहबी रवादारी को भी बड़ा दखल था।
अगर ये कहा जाए कि इस सियासत का बीज अकबर के अजीम और नामवर दादा ने बोया था, तो इस बात से अकबर की हकीकी अजमत को किसी तरह धक्का ना पहुंचेगा। बाबर ने एक जदीद सल्तनत का तस्वर कायम किया जिसकी बुनियाद मजहबी या तबकाती तफरीक के बजाय सियासी नजरियात पर। उसने सल्तनत में बादशाह के मकाम का तयन किया, राजपूते के मसले को इत्याद और इज्दवाजी ताल्लुकात के जरिए हल किया। यानी ये बाबर की जो पूरी पॉलिसी थी वो इस तरह की पॉलिसी थी कि जिसमें सबके लिए जो है स्पेस थी। बाबर के मरने के बाद 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ, उसके बाद दिल्ली का जो तख्त है उसके बेटे हुमायूं के हिस्से में आया। हुमायूं बहुत ही नरम दिल आदमी था, यानी जो उसके करीबी लोग थे, उसके सरदार थे, उसके भाई थे, वो बार बार जो है उसके साथ गद्दारी करते, दगाबाजी करते, लेकिन हुमायूं उन सबको माफ कर देता था। हुमायूं का एक सबसे बड़ा मसला यह था कि उसके अंदर सियासत नहीं थी, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, मोहब्बत करने वाला, किसी पर भी जो है बहुत ज्यादा यानी मुकम्मल एतमाद करता। आमतौर से समझा जाता है कि हुमायूं एक अच्छा वॉरियर नहीं था, लेकिन ये बात गलत है। हुमायूं बहुत अच्छा वॉरियर था, बाबर के जमाने में उसने काफी जंगें जीती। हिंदुस्तान में पूरा एम्पायर लॉस करने के बाद फिर से उसने उतनी सल्तनत वापस हासिल की सिर्फ एक साल के अरसे में जो बाबर ने हासिल की थी। इसके साथ वो बहुत ही लर्नेड पर्सन था, यानी उसको अरबी, तुर्की और पर्शियन जबान का वो माहिर समझा जाता था। इसी के साथ वो आर्टिस्ट भी था। हुमायूं ने हिंदुस्तान की जिस इलाकों पे हुकूमत किया है, मौजूदा दौर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश, ये हुमायूं का हुकूमत रहा। 1530 से लेकर 1540 उसका पहला दौर था, उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको हिंदुस्तान से भगा दिया, तो 1555 में वो वापस आया और फिर उसकी हुकूमत सिर्फ 2 साल रही, लेकिन 2 साल में उसने काफी बड़ा एरिया फिर से फतह कर लिया था। असल ये है कि बाबर की जो हुकूमत थी वो तो अफगानिस्तान में भी थी, लेकिन हुमायूं को सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा मिला था। असल में ये कि दुनिया में किस तरह पावर ट्रांसफर की जाए इसके अलग अलग कानून हमेशा से दुनिया में रहे। जैसे हम देखते हैं कि खिलाफत में ये तसव्वुर था अलग रसूल के जमाने में कि जो खलीफा था लोग उसके हाथ पर बैत करते थे, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी तक खलीफा खुद रहता था। एक मगरबी डेमोक्रेसी का तरीका है कि जिसमें इलेक्शन होता है हर 4 साल 5 साल के बाद और उसके बाद लोग जो है अपना रूलर चुनते हैं। फिर इसी तरह बादशाह का एक तरीका रहता है कि बादशाह फिर के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यानी एक मोरूसी तरीका जो है वो होता है। फिर दिल्ली सल्तनत में एक तरीका हमने देखा है कि दिल्ली के सल्तनत में बिल्कुल ये तरीका था कि जो भी काबिल आदमी होता लोग उसको बना देते थे, यानी पहले गौरी, फिर उसके बाद ऐबक, ऐबक के बाद अल्तमश, अल्तमश के बाद बलबन, बलबन के बाद खिलजी, यानी ये जो थे ये कोई भी एक दूसरे के बेटे नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर जो इनको बनाया गया। तो ये दुनिया में अलग अलग तरीके रहे कि किस तरह पावर ट्रांसफर की जाए। इसी तरह चंगेज खान ने भी एक रूल बनाया था, और चंगेज खान का पावर ट्रांसफर रूल ये था कि वो अपनी जो सल्तनत थी वो अपने बेटों के अंदर इक्वली डिवाइड कर देता था। उसके बाद ये रूल तैमूर ने भी किया, तैमूर ने भी उसके जितने वारिस थे उनमें इक्वली डिवाइड किया, और ये रूल जो है बाबर ने भी फॉलो किया। तो बाबर की चूंकि सडन डेथ हो गई थी तो उसने हुमायूं को वसीयत की कि मेरे बाद जो है तुम अपनी जो हुकूमत है वो अपने भाइयों के अंदर तकसीम कर देना। दूसरा उसकी एक वसीयत थी जिसकी वजह से भी हुमायूं उसको अपने भाइयों को बार बार माफ करता था कि तुम अपने भाइयों के लिए हमेशा रहम से काम लेना, अगर वो कभी कोई गलती भी करे, हालांकि सब उसके सौतेले भाई थे, अगर वो गलती भी करे तो तुम उनको माफ करते रहना। तो ये हुआ कि उसकी वसीयत के मुताबिक, चूंकि हुमायूं एक तसव्वुफ और सूफी किस्म का शख्स था, खुद बाबर के जमाने में बारहा जो है उसका ये ख्याल होता था कि मैं हुकूमत छोड़कर जो है कहीं जाकर खानकाह में बस जाऊँ और वहां जाकर खुदा की याद में, जिक्र अशकार में मशगूल हो जाऊँ, लेकिन बाबर उसको बहुत ज्यादा रोकता था। और बाबर अपने औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत जो वो हुमायूं से ही करता था, तो उसने हुमायूं को ये वसीयत की, और हुमायूं ने उस वसीयत के मुताबिक उसके 3 सौतेले भाई थे, उसके हाफ ब्रदर्स थे, कामरान, हिंदल और अस्करी, ये तीनों के अंदर जो है सल्तनत उसने डिवाइड किया और खुद उसके हिस्से में जो है हिंदुस्तान का इलाका है। लेकिन उसका जो एक बड़ा भाई था कामरान मिर्जा, यानी जो उसके बाद सेकंड नंबर पर था, वो काफी वॉरियर था और उसके बड़े हौसले थे, तो उसने ये किया कि काबुल कंधार तो उसको मिला ही था, उसने काफी बड़ा यानी इलाका जो है उसके बाद फतेह कर लिया, पंजाब का इलाका भी जो उसने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हुमायूं ने उसको माफ कर दिया और कहा कि ठीक है तुम ये इलाका लेना चाहो तो तुम ले लो। हुमायूं का जो तख्त था वो बहुत ही कमजोर बुनियादों पर था, क्योंकि पूरे जो उस जमाने में तैमूरी शहजादे थे या बाबर की औलादे थी वो सबके सब अपना इकतदार बढ़ाना चाहते थे, और हिंदुस्तान के अंदर 2 बड़ी कुवतें, यानी एक गुजरात का बादशाह बहादुर शाह और दूसरा शेरशाह सूरी, ये दोनों बड़ी कुवतें जो उभर रही थी, और ये दोनों बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत अच्छे वॉरियर भी थे। तो हुमायूं ने पहले तय किया कि शेरशाह सूरी पे हमला करेगा, लेकिन उस जमाने में बहादुर शाह जो है काफी बढ़ता चला आ रहा था, तो पहले उसने उस पर हमला करने का तय किया। तो हुमायूं ने यह किया कि गुजरात में जो उसकी हुकूमत थी उस पर हमला किया, और एक के बाद एक मतलब मालवा, चंपानेर,
मांडा, ये बड़ी बड़ी जंगें की उसने और बहादुर शाह से वो जीत गया और गुजरात का जो उसका एम्पायर था वो तकरीबन उसने खत्म कर दिया। यानी 1536 के अंदर हम देखते हैं कि उसने अहमदाबाद फतेह कर लिया। तो पहला जो उसका दुश्मन था उसको उसने वो काफी इजीली जो है बड़ी जंग लड़के हुमायूं ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद दूसरा जो उसका दुश्मन था वो उसके लिए उतना आसान नहीं था और वो था शेरशाह सूरी। जैसे हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया तो शेरशाह सूरी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो आगरा पर हमला कर दे और उसने किया कि आगरा पर हमला कर दिया। 1539 के अंदर शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा के अंदर हुमायूं को हरा दिया बक्सर के करीब। यानी ये बहुत बड़ी जंग थी। शेरशाह सूरी का ये मानना था कि जंग जीतने के लिए वो बहुत सारे मरतब ऐसा होता कि झूठे वादे करता था, जंग से पहले मुआहदे करता था, लेकिन ऐन वक्त में उन मुआहदे को वो तोड़ देता था और वो उसको जंग का एक हिस्सा समझता था। तो इसी तरह हुमायूं एक सीधा साधा आदमी था, उसके बिलमुकाबिल शेरशाह सूरी जो था वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन था और बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन भी था और जंगजू भी था। तो इस तरह उसने हुमायूं को फरेब देकर वो जंग जीत ली और हुमायूं वहां से भाग गया। फिर उसके बाद हुमायूं ने उसके भाई उसके जो भाई था हिंदल उसने भी उसके साथ गद्दारी की। फिर इस तरह हुमायूं भागता हुआ आगरा गया। उसके बाद सेकंड जो बैटल ऑफ कन्नौज हुई उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज भी हुमायूं हार गया। फिर उसके बाद आगरा से भागता हुआ वो दिल्ली चला गया और दिल्ली से लाहौर चला गया। यानी इस तरह जो है शेरशाह ने पूरी सल्तनत जो बाबर ने फतेह की थी बहुत ही कम अरसे में हुमायूं के पास से उसने वापस ले ली। फिर वहां से हुमायूं सिंध चला गया। फिर सिंध में उसका जो भाई था हिंदल वो उसके पास रुका हुआ था। तो उसके भाई के जो मुर्शद थे उनकी बेटी थी एक हमीदा बानो बेगम, उससे हुमायूं को मोहब्बत हो गई और हुमायूं ने उससे शादी कर ली। हालांकि उसका भाई जो इस शादी के खिलाफ था लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी, तो हुमायूं का अपने भाइयों और सौतेली माओं के साथ बहुत अच्छा सलूक था, तो उसकी माँ ने फिर उसकी शादी करवा की थी और उसको काफी उसने सपोर्ट किया। तो इस तरह यानी उसी जमाने में जबकि हुमायूं एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था शेरशाह से बचकर, तो 1542 के अंदर 15 अक्टूबर 1542 के अंदर बाबर का जन्म अमरकोट के अंदर हुआ। लेकिन उसके बाद 1543 में हुमायूं कंधार गया, लेकिन कंधार में उसके भाई जो है उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहता था, फिर वो वहां से भी भाग गया। फिर उसने किया कि बाबर अकबर को जो उसके अपने थोड़े लॉयल ऑफिसर्स थे उनकी कस्टडी में दिया और वहां से वो ईरान चला गया ताकि ईरान की बाजिश से मदद लेकर वो वापस आए और शेरशाह सूरी जो है उसने अपनी सल्तनत दिल्ली में कायम कर ली। तो शेरशाह सूरी का बहुत ही एक छोटा यानी जो सूर डायनेस्टी है बहुत ही छोटा उनका पीरियड रहा और इनका जो कैपिटल रहा वो ससराम जो मौजूदा बिहार के अंदर आता है वहां पर वो उनका कैपिटल थे। अब देखिए कि शेरशाह सूरी की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग उसकी लाइफ है। यानी उसका जो दादा था वो घोड़ों का एक छोटा मोटा ताजिर था, उसका बाप जो था उसके बाद एक छोटा मोटा जागीरदार था, उसके बाप की 8 औलादें थी और उसमें से ये 8वां था। इसका नाम जो है असल शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद था, लेकिन उसकी जो इनिशियल लाइफ है उसका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज्यादा काफी निगेटिव इन्वायरमेंट में गुजरा। उसकी जो माँ थी सौतेली माँ वो उससे काफी हेट करती थी, तो हम देखते हैं कि काफी ट्रबल उसके यानी चाइल्डहुड में रहा। लेकिन शेरशाह एक ऐसा आदमी था कि जो मुस्तकिल आगे बढ़ना जानता था, तो उसने ये किया कि खुद से कोशिशें करके पोइट्री सीखी, तारीख हिस्ट्री जो है उसका खास सब्जेक्ट था, इसी तरह उसने लिटरेचर का मुताला किया और पूरी जिंदगी जो है उसने जद्दोजहद की। तो ये एक ऐसा आदमी था जो बिल्कुल ही ग्राउंड से जमीन से जो है उभर रहा था हिंदुस्तान की सियासत के अंदर। तो सूर जो है उसका कबीला था, वहां से उसका नाम सूर का रखा गया है। शेरशाह उसको इसलिए कहा जाता है, शाह यानी बादशाह, और शेर इसलिए कहा जाता है कि उसने शेर को जो है शेर से मुकाबला करके उसको खत्म किया था, तो उसकी बहादुरी की बुनियाद पर जो है उसको शेरशाह सूरी कहा जाता था। तो उसका असल नाम जो है फरीद था। तो फरीद जो है जब वो बड़ा हुआ तो अपने बाप की जो जागीर थी उसमें उसका हाथ बटाने लगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ जो है उसकी काफी यानी जेलस थी और वो काफी उसको परेशान करती थी। फिर इसी तरह उस जमाने में उसकी एक रॉयल फैमिली की एक लड़की थी, उससे उसको मोहब्बत हो गई और वो काफी जज्बाती इमोशन रहा और उसमें वो लड़की ने सुसाइड कर ली। तो ये सारी चीजों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया और उसको वो घर छोड़कर वो भाग गया। उसके बाद फिर उसने खुद से मेहनत करता हुआ बाबर की आर्मी में पहुंच गया। फिर अभी जैसे मैंने बताया कि जो चंदेरी की जंग थी जो बाबर ने आधे दिन में जो किले फतेह कर लिया था, उस जंग में वो बाबर के साथ लड़ा। तो बाबर ने जब उसको देखा तो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और एक जागीर बाबर ने उसको दे दी कि जागीर तुम ले लो। बाबर के जाने के बाद शेरशाह को ये महसूस हुआ कि अब हिंदुस्तान में वो अपना इकतदार कायम कर सकता है। तो उसने ये किया कि जो अफगान सरदार थे जो लोधी डायनेस्टी के बचे हुए थे उनको सबको उसने जमा करना शुरू किया और अपनी आर्मी बनाना शुरू किया। एंड हिंदुस्तान में दो ही मरतबा जो है अफगान हुकूमत कायम हुई, पहली जो थी वो लोधी डायनेस्टी में और दूसरी शेरशाह के जमाने में। तो शेरशाह बुनियादी तौर से अफगान था और बाबर और ये सब तो तैमूरी थे। तो उसने ये किया कि अफगानों को जमा करना शुरू किया। हालांकि अफगानों को जमा करना दुनिया में सबसे किसी लीडरशिप के अंदर सबसे मुश्किल टास्क जो है दुनिया में माना गया है। तो उसने किया कि अफगानों को जमा करना शुरू किया और एक बड़ी फौज उसने बनाया।
1530 के अंदर बिहार की जो नुहानी डायनेस्टी थी जो काफी सालों से चली आ रही थी उसने उसको खत्म कर दिया और बिहार का काफी बड़ा हिस्सा जो है उसके कब्जे में आ गया। 1534 के अंदर सूरजगढ़ की जंग उसने जीती जिसमें कि पूरा बिहार उसके कंट्रोल में आ गया। 1538 के अंदर उसने बंगाल पे हमला किया और वहां महमूद शाह को शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद 1539 के अंदर हुमायूं के से उसने जंग की बैटल ऑफ चौसा जिसमें उसने हुमायूं को शिकस्त दे दी। उसके बाद कन्नौज में 1540 के अंदर उसने हुमायूं को शिकस्त दे के उसको हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया और उसकी ये कोशिश थी कि मुगल जो है वो फिर से हिंदुस्तान में वापस ना आ पाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत कम अरसे में उसने पूरे हिंदुस्तान को बहुत तेजी के साथ फतेह कर लिया। फिर हम यानी उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें उसकी जर्नी में या उसकी बादशाहत में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन भी आए और काफी कुछ यानी एडवेंचरस चीजें भी। यानी एक वाकया जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, एक खातून थी चंदेरी की, यानी जो जंग उसने किया था, तो वो उसके पास आई और उसने कहा कि पूरनमल जो वहां का बादशाह है तो ये करता है कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर जो है उनको गुलाम बनाता है, फिर उनको नाचने गाने वाली जो है वो बना दे देता है। तो उस खातून ने उसे कहा कि अगर तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं कयामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ लूंगी। तो शेरशाह ने ये किया कि उसके खिलाफ जो बादशाह के खिलाफ जो था उसने हमला कर दिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। अब घेरने के बाद जब उसने बादशाह जो है उसने पीस टाई अप कर लिया तो शेरशाह हमेशा पीस टाई अप करके उसको नकार देना, ये उसकी आदत थी और वो उसको जो है जंग की एक हिकमत अमली मानता था। तो उसने किया कि उससे पीस टॉक की बातें की और जब वो एकदम रिलैक्स हो गया उसके बाद उन सबको उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, सबसे कब्जे में ले लिया। और उसके बाद उसने उलमा से पूछा कि अब ये ऐसा ऐसा मामला था लेकिन मैंने वादा खिलाफी की तो अब मैं क्या करूं। तो उस जमाने के उलमा ने कहा कि जो पुरानमल जो बादशाह उसको सजाए मौत दी जानी चाहिए। तो पुरानमल ने जब ये देखा कि शेरशाह ने गद्दारी की और अब वो हम सबको खत्म कर देगा तो उसने फिर जौहर किया, यानी जौहर में मतलब उसके खानदान की जितनी औरतें थी आदमी थे वो सबने आग में जिंदा जल के वो मर गए। तो एक तरफ तो शेरशाह की फौज ने बाज स्टूडेंट्स कहते हैं 4000 लोग, बाज कहते हैं 10000 लोग, इतने बड़े पैमाने पर उसने कत्लेआम किया। और उसकी जो बेटी थी पुरानमल की उसने ये शेरशाह ने ये किया कि वो नाचने गाने वाले को उसकी बेटी दे दिया और उसने कहा कि इसने चूंकि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा सलूक किया तो अब इसके साथ भी ये होना चाहिए कि इसकी बेटी जो है नाचने गाने वालों के साथ रहे। तो हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि एक ब्लैक स्पॉट जो है शेरशाह की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में और उसमें इसको निगेटिव काफी लिया जाता है कि उसने गद्दारी की और अपने बाप की सजा जो है वो बेटी को दी। उसके बाद मालदेव की जो जंग है उसकी वो बहुत अहम थी, यानी शेरशाह ने एक बड़ी आर्मी तकरीबन 80,000 की आर्मी लेकर जो है मालदेव राठौर जो मारवाड़ यानी गुजरात का राजा था उस पर उसने हमला किया और उस इलाके को उसने फतह कर लिया। उसके बाद उसके करीब का जो इलाका था जोधपुर अजमेर राजस्थान का ये पूरा एक बड़ा इलाका जो है उसने फतेह कर लिया। लेकिन मारवाड़ की जो जंग है वो काफी इंपॉर्टेंट जंग थी शेरशाह के लिए, यानी उसमें राजपूतों की फौज काफी छोटी थी और शेरशाह ने जाके उनका मुहासरा कर लिया। अभी 6 महीने तक जो है मुहासरा किया गया लेकिन उसके बाद शेरशाह खुद प्रॉब्लम में आ गया, इसके पास जो है खाने के पीने की चीजें खत्म होने लगी, इसकी फौज जो है वो बददिल होने लगी और इसके लिए अब ये मुश्किल हो गया था कि वो आगे जंग जारी रख पाए, यानी उसका जो किले का जो मुहासरा था उसको आगे जारी नहीं रख सकता था। तो उसके बाद शेरशाह का ये था कि बस किसी तरह जंग जीतना है, तो उसके पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स होते थे। तो उसने ये किया कि बहुत सारे खतूत उसने लिखे और ये खतूत ऐसे थे जो शेरशाह की तरफ से राजा जो था उसके फौजियों के नाम उसने लिखा, यानी मालदेव जो राजा था उसके जो ऑफिसर्स थे उनके नाम ये लेटर्स लिखे और उसमें ये कोशिश की कि ये लेटर किसी तरह मालदेव के पास पहुंच जाए। वो लेटर मिलने के बाद मालदेव पर ये इंप्रेशन गया कि उसके जितने सरदार है वो शेरशाह के हाथों बिक गए और बहुत जल्द शेरशाह हमला कर देगा और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। तो उससे मालदेव बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने यानी इतना ज्यादा वो डर गया कि उसने अपने जो फौजी जनरल्स थे उनसे बात करना तक गवारा नहीं किया और अपने खानदान को लेकर खामोशी से वहां से भाग गया। लेकिन उसके बाद जब शेरशाह ने हमला किया तो उसके फौजी जो जनरल थे उन्होंने बहुत ज्यादा यानी खतरनाक लड़ाई लड़ी और ऐसा लग रहा था कि शेरशाह जो है हार जाएगा। उनकी फौज बहुत छोटी थी, इसकी 80,000 की फौज थी लेकिन उसके बावजूद भी जंग बहुत सख्त हुई। शेरशाह के बड़े बड़े फौजी जनरल मारे गए, उसकी आर्मी को बहुत हैवी लॉस हुआ। यानी जो उसके उस जंग के बाद जो शेरशाह ने जो बात कही कि बाजरे के थोड़े अनाज के लिए मैं हिंदुस्तान की हुकूमत तकरीबन खो देने वाला था, एंड फॉर अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एंटायर किंगडम ऑफ हिंदुस्तान। यानी उस जंग को जो है खुद शेरशाह ने ऐसे बयान किया। बाद में मालदेव को जब मालूम पड़ा कि नहीं ये शेरशाह की चाल थी तो वो काफी परेशान हुआ और उसको बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो शेरशाह फातह हो चुका था। लेकिन शेरशाह की जो जिंदगी थी वो बहुत छोटी थी, तकरीबन 5.5 साल का ही उसको अरसा मिला हुकूमत करने का। 1545 के अंदर जब वो एक किला फतेह कर रहा था तो किला फतेह नहीं हो रहा था
तो उस वक्त उन्होंने कहा कि एक यानी तोप में काफी बॉम्ब वगैरह बनाएंगे और उससे दीवार को उड़ा देंगे, लेकिन वो जो है वो फट गया और उसमें शेरशाह जख्मी हो गया और कुछ दिनों के बाद जो है वो चल बचा। लेकिन शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उसकी काफी इंपॉर्टेंस है, यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी उसको पढ़ाया जाता है। तो यानी इस 5.5 साल के अरसे में ये बात कही जाती है कि अगर उसको किसी जिस तरह मुगलों को 50-50 साल का अरसा मिला, उतना अगर उसको अरसा मिलता तो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बादशाह वो कहा जा सकता था। यानी उसने हुकूमत इसलिए नहीं की थी कि जिस तरह बहुत सारे वारियर रहे और उनको कुछ फतुहात करनी थी, बल्कि वो बहुत ही फोरसाइटेड था और एक इन्हें हुकूमत को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। उसकी जमाने में जो है हिंदुस्तान में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पीस उसने कायम किया था। यानी उसने ये किया कि पूरे जगह जगह कारवां सराय उसने बनाया कि जहां लोगों को फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था हिंदुओं को मुसलमानों को। उसने नए मार्केट बसाए, नए नए शहर उसने आबाद किए, तो उसके जमाने में इकोनॉमी काफी ग्रोथ हुई। फिर उसने अर्बनाइजेशन ऑफ द कंट्री किया, यानी उसने सिर्फ देहातों पे तो उसका फोकस था ही, लेकिन उसके बाद उसने बहुत सारे शहर आबाद किया और हर शहर के अतराफ में जो है तो उसने गांव आबाद किया। इसी तरह टैक्सेस उसके जमाने में कम हो गए, कस्टम ड्यूटी उसने रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेस जो है काफी बढ़े। रोड्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि उसने रोड बनाए थे और उन रोडों की जो हिफाजत थी, शेरशाह का ऐसा मानना था कि जो विलेज के चीफ जो रहते, जो भी चोरियां डाके या जो भी क्राइम्स होते वो विलेज चीफ की मदद से होते थे, तो उसने बहुत सख्त कानून बनाया था। यानी कोई भी जुर्म अगर होता, कोई संगीन जुर्म, कोई चोरी हो गई या मर्डर हो गया, तो जो विलेज चीफ है वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको ढूंढ कर लाए मुजरिम को, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता तो उसके बदले वो विलेज चीफ को सजा देता था। यानी बाज मामला में ऐसा हुआ कि उसने विलेज चीफ को जो है उनको कत्ल की सजा भी दी, यानी उनको फांसी की सजा भी उसने दी। तो इस कानून की वजह से ये हुआ था कि काफी पीस जो है वो रिस्टोर हो गया था हिंदुस्तान के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रुपया जो है, जो जदीद करेंसी हिंदुस्तान की है, तो वो सबसे पहले शेरशाह ने ईजाद किया, उसके जमाने में वो बनी और उसका नाम जो है वो रुपया दिया गया। तो रुपया की जो इन्वेंशन है, यानी उसने अलग अलग पॉइंट्स जो है वो डेवलप किया और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा कई मुल्कों में, तकरीबन 16-18 मुल्कों में रुपया इस्तेमाल होना गया। तो हिंदुस्तान को ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने उसका कॉइन जो हिंदुस्तान को दिया। फिर पहली मर्तबा जो है हिंदुस्तान में पोस्ट ऑफिस जो है उसने शुरू किया, यानी पोस्टल सर्विसेज जो है वो शेरशाह के जमाने में शुरू किया। आप देखिए कि शेरशाह ने क्या किया कि 1700 सराय जो है ऐसे उसने कायम किया था। यानी ये किया कि अलग अलग सराय जो है, यानी दो शहरों के बीच में ऐसे उसने सराय बनाया था। ये क्या रहते थे कि रोड से फासले पर, यानी हर चार मील के फासले पर इस तरह के सराय बनाए जाते थे कि जब लोग सफर करते थे तो सराय में वो आराम कर सकते थे। यहाँ पर जो है उनको हुकूमत की तरफ से पीने का पानी फ्री में दिया जाता था, खाना उसमें फ्री में दिया जाता था। जब उसने सराय बनाए तो वहां पर बहुत सारे जो जॉब करने वाले थे तो लो कास्ट के लोग थे, तो ये प्रॉब्लम आई कि ब्राह्मण उनके हाथ से नहीं लेते थे। तो उसने किया कि फूड डिपार्टमेंट जो था, यानी खाना और पानी का जो डिपार्टमेंट है, वो ब्राह्मण के हाथ में दिया कि अपर कास्ट का आदमी देगा तो बाकी सारे लोअर कास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर इसी तरह उसने ये किया कि तारिक नवाज, यानी पोस्ट हाउसेस उसने बनाया जहां पर जो खतूत जो है आते थे और वहां से डिस्पैच होते थे। यानी कहा जाता है कि शेरशाह के जमाने में एक न्यूज 1400 मील का जो फासला है वो एक हफ्ते के अंदर, यानी बंगाल से पंजाब तक अगर कोई न्यूज पहुंचाना रहती थी तो एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाती थी। यानी ये रहता था कि वो सराय के अंदर एक घोड़सवार यहाँ से खत लेके वहां जाता था, वहां से वहां। तो हिंदुस्तान का इतना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है बंगाल से पंजाब तक का एक हफ्ते के अंदर तय हो जाता था उसके पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस का निजाम उसका बेहतरीन निजाम माना गया है। उसका इंडियन हिस्ट्री में उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इस्लाम ने खैर खैरात को हर हुक्मरान पर बहसियत एक मजहबी फर्ज के आयद किया है। तो इस मामले में भी शेरशाह किसी तरह गैर मजहबी ना था। उसने नए मदारिस, मसाजिद की तामीर की और पुरानों की मरम्मत कराई। अंधो, बूढ़ो, ज़ईफो, बेवाओं, तालिब इल्मों, आलिमों की मदद के लिए दिल खोलकर उसने खर्चा किया। उसका दस्तूर यह था कि हर जरूरतमंद शख्स को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए, लेकिन किसी को भी उसकी जरूरत से ज्यादा ना दिया जाए। उसने 18,25,000 रुपए सालाना के खर्च से बहुत से मकामात में मुफ्त लंगर और दारुल मसाकिन खोले। मजहबी, अदबी, तामीराती सरगर्मियों में शेरशाह के रवादारन रवैये का पता चलता है। उसके अहद हुकूमत में मुसलमानों ने हिंदी अदब की तरक्की में बड़ी दिलचस्पी ली। यानी ये जो किताब लिखी गई थी बहुत ही कीमती किताब है, उसके जमाने में लिखी गई, यहाँ तक कि उसने दूसरे जो हिंदू मजाहब के थे उनको तबलीग तक की उसने इजाजत दे दी थी। फिर शेरशाह के अहद तामीर में, यानी शेरशाह कहा जाता है कि वो हिंदुस्तानी मिजाज का बादशाह था, यानी उससे पहले के जितने बादशाह थे वो हिंदुस्तानी मिजाज के नहीं थे। तो इसका जो पूरा अपब्रिंगिंग हुआ था वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तो वो हिंदुस्तान को बहुत बेहतर तरीके से जानता था। तो यहाँ पे जितने उसके जमाने में कंस्ट्रक्शन हुए, तो उसने कोई, यानी बाहर का कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान पर नहीं थोपा,
बल्कि यहाँ के जितने कंस्ट्रक्शन थे उसी को उसने ग्रो किया। कहा जाता है कि उसकी इमारत से इस्तेकाम, मतानत और वकार अजमत और शान टपकती है। शेरशाह की शख्सियत, अखलाक और फराग दिल की बेहतरीन नुमाइंदगी खुद उसके मकबरे से होती है जो सिसरा में वाकई है। अगर शेरशाह और ज्यादा मुद्दत तक जिंदा रहता तो अकबर पर सबकत ले जाता। उसका शुमार बिलाशुबा दिल्ली के जबरदस्त मुदब्बिर और सियासतदान सलातिन में होता है। उसने अकबर की आला व अरफ रोशन ख्याल तर्ज हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दिया, और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि उसका पेशरव था। ये कहा जाता है कि अकबर ने जो कुछ उसके जमाने में हुआ तो उसकी जो बुनियाद थी वो शेरशाह ने रखी थी। यानी बाज हिस्टोरियंस ने लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो गुजरा है वो शेरशाह गुजरा है। यानी खुद बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भी लिखा है कि ब्रिटिश ने भी उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जितना कि शेरशाह ने किया। शेरशाह का दूसरे मजहबों के बारे में बहुत अच्छा उसका रवैया था। अलबत्ता वो शियाओं को पर्सनली पसंद नहीं करता। यानी कहा गया है कि वो शियाओं को जाती, सियासी और फिरकावाना वजूहत की बुनियाद पर पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी ये ख्वाहिश थी कि जैसे वो राजपूतों की हुकूमतों को खत्म कर देगा उसके बाद उसका अगला जो टारगेट रहेगा वो शिया स्टेट्स रहेगा, और उसके बाद वो ईरान पर भी फतेह करने का उसका इरादा था। लेकिन उसके जो नॉन मुस्लिम रियायत थी उनके साथ काफी नरमी, इंसाफ और सखावत का सलूक करता था। वो किसी भी तबके, फिरके या मजहब को खामोखा खुश करने की कोशिश नहीं करता और ना ही किसी को नाराज करता। उसने सबको इजाजत दे रखी थी कि अपने त्यौहार मनाए और अपने तरीके पर इबादत करे। यानी इस बात की कोई एविडेंस नहीं मिलता कि उसने अपनी नॉन मुस्लिम राया को किसी भी किस्म की पाबंदी या किसी किस्म का उसने जुल्म किया। वो बहुत अच्छा सुन्नी मुसलमान था, लेकिन गैर मुस्लिम राया के साथ उसका मामला जो है वो अदम मदाखलत का था। यानी उनके मामला में वो मदाखलत नहीं करता था। शेरशाह के इंतकाल के बाद जो है हुमायूं वापस हिंदुस्तान आता है, और उसके बाद जो ईरान का बादशाह था उसके साथ उसने टाई अप किया कि अगर वो हिंदुस्तान फतेह करेगा तो उसके बाद कंधार जो है वो उनको दे देगा। तो ईरान के बादशाह ने उसको 12,000 सोल्जर्स दिए, और उसके बाद हिंदुस्तान पे फिर से हुमायूं ने वापस आया। लेकिन हम देखते हैं कि हुमायूं की वापसी गैरमामूली वापसी थी। 1545 में उसने कंधार फतेह कर लिया, फिर उसके अगले 3 महीने में काबुल उसके पास आ गया, 1555 के अंदर लाहौर फिर से उसके पास आ गया, और 1555 के अंदर वो दिल्ली भी उसने फतेह कर लिया और दिल्ली के तख्त पर वो बैठ गया। तो इस तरह हुमायूं ने बहुत ही कम अरसे में, 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर जो है उसने जो पूरी उसकी खोई हुई सल्तनत थी वो वापस कर ली। लेकिन उसको भी हुकूमत करने का ज्यादा अरसा नहीं मिला, वो सिर्फ 6 महीने के अंदर उसका इंतकाल हुआ। बाज लोग कहते हैं कि वो अपनी लाइब्रेरी में था, बाज कहते हैं कि उसकी जो एक एस्ट्रोनॉट लैब थी जहां से वो वीनस को देखने वाला था तो वहां से गिर के उसका इंतकाल हो गया। लेकिन ये बात कही जाती है कि हुमायूं ने अपनी जिंदगी में बारहा ये कोशिश की कि वो दुनिया की जिंदगी छोड़कर जो है तो तसव्वुफ की जिंदगी अख्तियार कर ले। तो ये बात भी कही जाती है कि जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ उस वक्त भी उसके वैसे इरादे थे कि सल्तनत तो किसी और को सौंप कर जो है वो तसव्वुफ की जिंदगी यानी सूफियाना जिंदगी वो गुजारेगा। लेकिन बाबर की तरह उसकी लाइफ भी रही, जिस तरह बाबर शुरू में नाकाम रहा और बाद में उसको फतेह नसीब हुई, बिल्कुल हुमायूं का भी वैसा ही मामला जो है रहा। शुरू में उसको बहुत जंगे उसने हारा और उसके बाद फिर से उसने वापसी किया। लेकिन हुमायूं जब ईरान से वापस आया तो वो अकेला वापस नहीं आया, बल्कि कहा जाता है कि उसके साथ बहुत सारे वहां के उलमा, स्कॉलर्स और मजहबी लोग भी आए। और हुमायूं के जमाने में हिंदुस्तान के अंदर शिया जो फिरका है उसकी बहुत ज्यादा तबलीग हुई, और शिया जो है हुमायूं के जमाने में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर फैली। तो ये एक चीज हुमायूं के दौरे हुकूमत के बारे में कहा जाती है। हुमायूं की अखलाक आदत को भी उसकी नाकामी के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो बहादुर, खामोश तबीयत, मोतिल मिजाज और बावकार शख्स था। वो मेहरबान, सखी, वसीउल कल्ब, ज़हीन, मुहज़्ज़िब, शाइस्ता और शरीफ इंसान था। यानी हुमायूं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी था और बहुत अच्छा वॉरियर था। वो ऐसा नहीं था कि उसको जंग करना नहीं आती थी और कोई नाकाम आदमी था, लेकिन वो बहुत अच्छा वॉरियर था। लेकिन उसको पॉलिटिक्स नहीं आती थी और जंग में जो हरबे इस्तेमाल करते वो हरबे वो नहीं इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए वो बार बार जंग हार जाता था। तो बहरहाल उसके बाद दिल्ली का वो हुक्मरान बना और 20 जनवरी 1556 को उसका इंतकाल हो गया। तो ये पूरी तारीख थी जो इब्तदाई मुगलिया जमाने की हुई, यानी बाबर से लेके हुमायूं तक की। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम देखेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान की जो या मुगलिया सल्तनत या हिंदुस्तान की तारीख में भी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो सल्तनत थी अकबर की सल्तनत वो किस तरह कायम हुई और उस सल्तनत की क्या खास बातें थी, क्यों मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस जो है तो उसको सबसे ग्रेटेस्ट पीरियड मानते हैं इंडियन हिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। जज़ाकअल्लाह।